तो गाइस आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम GoPro Hero 9 कैमरा, जिसकी कीमत है 50,000 रुपये के आसपास। तो ये हमें डिलीवर हो गए करीबन 8 से 10 दिन। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स। तो अभी मैं खड़ा हूँ छत पर क्योंकि नीचे ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी, तो छत हमारी कुछ ऐसा दिखता है। उधर पूरी पाम सिटी बनी हुई है उधर की तरफ, ये पूरी पाम सिटी है इधर की तरफ। तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ तो शूट करने के लिए। तो अभी चलते हैं, जल्दी से बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है अपना कुछ GoPro Hero 9 Black, जो कि GoPro की तरफ से आने वाला अब तक का लेटेस्ट कैमरा है, जिसमें आपको फ्रंट पे स्क्रीन देखने को मिल गई है, जो कि GoPro Hero 8 में नहीं है। लेंसेस में और ज़्यादा बदलाव कर दिया है। और देखते हैं इसके अंदर हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही में देखने को मिलता है 5K to 30 FPS, जो कि एक रिकॉर्डिंग फीचर है। और साथ ही में प्लस में हमें देखने को मिलता है 4K to 60 FPS। और साथ ही में एक चीज़ अमेजिंग चीज़ है, यह है वाटरप्रूफ कैमरा, जो कि 33 फीट यानी कि 10 मीटर पानी में आराम से सर्वाइव कर जाएगा। और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है 1080 पिक्सल की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, जो कि आप YouTube वगैरह पर लाइव आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखते हैं और क्या क्या हमें बॉक्स की तरफ देखने को मिलता है। एक हमें इधर की तरफ देखने को मिलती है GoPro की ब्रांडिंग, जो कि ये स्टिकर वाला है, ब्रांडिंग आती है जिससे ये जेन्युइन प्रोडक्ट ये माना जाता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर GoPro ऑफिशियल प्रोडक्ट इंडिया, और ऊपर GoPro की ब्रांडिंग यहाँ पर कर दी गई है। और साथ ही में यहाँ बराबर में लिखा गया है हाइपर स्मूथ 3.0 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगर हम दूसरी तरफ में देखें तो दूसरी तरफ इसमें कुछ हमें कैमरा मिल जाएगा, एक बैटरी और ये माउंट्स होते हैं, साथ में एक टाइप सी केबल मिल जाती है, और इसका हार्ड केस जो कि ये रहा, ये इसका हार्ड केस है। तो पीछे की तरफ हम देखेंगे तो इसकी कुछ वारंटीज वगैरह है। एक ऐप आपको देखने को मिलेगा क्विक करके है, ऐप स्टोर इसके अंदर मिल जाएगा, ऐप स्टोर में ये मिल जाएगा आपको, और गूगल प्ले स्टोर के अंदर ये मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी कीमत जो है वो है 4,950 इंक्लूड टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसको ओपन कर लिया था टेस्टिंग के लिए, तो अभी बस इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ में हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा गंदा हो गया ये, इधर की तरफ हमें देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही में 5K to 30 FPS प्लस 4K 60 FPS 1080 पिक्सल to 240 FPS 33 फीट्स के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है पानी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर वॉइस कंट्रोल आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि आप अगर कहेंगे कैप्चर तो आपकी फोटो कैप्चर करेगा, रिकॉर्डिंग कहेंगे तो रिकॉर्ड ये करना शुरू कर जाएगा। साथ में देखने को मिलता है 8K 1x स्लोमो, यानी कि 8x तक आप इसको स्लोमो में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको देखने को मिलता है डाटा ओवरले, जो कि पहले वाले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी GoPro 8 में, तो उसमें स्क्रीन नहीं आती थी पहले फ्रंट पे, जिससे कि आप देख नहीं पाते थे कि हाँ कैसा चेहरा लग रहा है, क्या हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। और दूसरा ये डाटा ओवरले का बहुत दिक्कत थी उसमें। और हमें देखने को मिलता है इसके अंदर टाइम रैप 3.0, 1080 पिक्सल इसमें लाइव स्ट्रीमिंग है, सुपर फोटो प्लस HDR डिस्प्ले है, रॉयस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वेब कैम भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड मिला है इसके अंदर। साथ ही में इसके अंदर बेस्ट फीचर जो कि है टच स्क्रीन। तो बिना देरी करे इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं हम। तो बॉक्स से निकालने के बाद कुछ इस तरीके का इसका केस आता है, जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया केस है। इधर आप अगर इसकी चैन क्वालिटी देखेंगे तो एकदम जैसे वाटरप्रूफ स्टाइल चैन होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इसकी चैन आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं फोकस करके आपको दिखा पा रहा हूँ। तो बिना देरी करे इसको भी ओपन करते हैं जल्दी से। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिनिश में इसका बॉक्स दिया गया, जैसा कि हमारा ड्रोन था उसकी भी फिनिशिंग कुछ इसी तरीके से थी, मगर ये उससे भी ख़तरनाक है। तो अब हमारा ओपन होने वाला है कैमरा। तो बेसिकली अब हमारा कैमरा कंपार्टमेंट खुल चुका है, जिसके अंदर देखने को हमें मिला है एक GoPro Hero 9, साथ में हमें माउंट देखने को मिला है, टाइप सी केबल और एक बैटरी यहाँ पर साइड में पड़ी हुई है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं। तो पहले ही मैं बात कर लेता हूँ इस केबल के बारे में, जो कि है USB 2 Type-C केबल, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी प्रीमियम सी केबल लग रही है, जो कि प्राइस के हिसाब से आई है। अगर वही मैं सस्ते कैमरे लेता तो मुझे ना मिल पाती इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी, जो कि इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको साइड रखते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक हेलमेट माउंट,
तो बेसिकली दूसरा माउंट भी इसके साथ आता है जो कि चिपक जाता है गाड़ी वगैरह पे या किसी और चीज़ पे जहाँ पे आप शूटिंग करना चाहते हैं, तो वो मैंने चिपका दिया था और एक्चुअली उसको उखाड़ने के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो जब आप इसको निकालते हैं ना, तो निकालते वक्त आपको ये रबड़ ऊपर कर लेनी पड़ती है, उसके बाद आप इसको पुश करके इधर से और इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे बाहर निकाल लिया था, पहले मेरे से नहीं निकल पा रहा था तो अब बाहर निकल गया है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें दिखा दिया। उसके बाद देखने को मिलती है हमें इसके अंदर एक और माउंट का, माउंट का ही कुछ है ये जो इसमें फिट हो जाता है। मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ, ये इसमें लग जाता है, जब मैंने लगाया था इस तरीके से ये फिट हो जाता है, तो इससे आपका कैमरा कहीं भागता नहीं है दो उधर। फिर लास्ट में हमें लास्ट से पहले देखने को मिलती है एक बैटरी जो कि है ओरिजिनल गोप्रो की। तो मैं देखता हूँ कि इसमें कितने एमएच की बैटरी है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको गोप्रो, जो इसकी ब्रांडिंग की गई है। साथ ही में इधर की तरफ कुछ इसका मॉडल्स वगैरह लिखा गया है, देखिए इधर मॉडल्स वगैरह लिखा गया है। उसके बाद इधर आपको प्लस माइनस का ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इधर देखेंगे तो इधर भी इसकी कुछ वार्निंग्स वगैरह है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने एमएच की इसकी बैटरी है। तो गाइज इतनी देर पता करने के बाद ही मुझे नहीं पता चला कि बैटरी कितने एमएच की है, मगर मेरे हिसाब से ये आपको एक डेढ़ घंटे की बैकअप दे देती है, वो भी जब आप इसको 5K रिकॉर्डिंग करेंगे तो आराम से दे देगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रीमियम बैटरी इसकी है। तो उसके बाद देखते हैं हम बैग में और क्या है। तो इधर की तरफ थोड़ी ये स्ट्रेचेबल सी चीज़ दी गई है, इसके अंदर आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखे गए हैं, तो एक बार इनको मैं बाहर निकाल करके देख लेता हूँ। तो इसके अंदर पहले हमें दिखते हैं कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ कि हमारी प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज होने वाली है। तो इसकी पूरी बुक बना दी भाई इन्होंने, मैनुअली पूरी बुक है ये। तो इसको साइड फेंकते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद इसके अंदर देखने को मिलता है हमें कुछ बेहतरीन से प्रीमियम स्टिकर, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनको मैं ज़रूर से चिपकाने वाला हूँ। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे इसका ऐप अवेलेबल है, बारकोड आप स्कैन करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी कुछ बताया गया है कैमरे के बारे में जो कि मैं आपको अभी आराम से बता दूंगा क्लियरिटी में। इधर ये बताया गया कि ये कैमरे पे कैसे फिट होगा, तो इसको भी अभी हम साइड करने वाले हैं। तो बेसिकली चलते हैं अपने कैमरा की तरफ। तो बेसिकली ये है कुछ अपना GoPro Hero 9। यहाँ पर भी आपको इस बारी डिस्प्ले देखने को मिल गई है जो कि आपको देखने को नहीं मिल रही थी GoPro Hero 8 में, जिससे कि आप अगर जिससे कि अभी मैं यहाँ पर अगर अपनी फोटो खींचना चाहता हूँ इस कैमरे के थ्रू, तो मैं अपनी फोटो खींचने के लिए मुझे बार बार या तो किसी के पीछे खड़ा करना पड़ेगा या फिर एक शीशा रखना पड़ेगा ऐसे करके कि हाँ मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं सही दिख पा रहा हूँ, या फिर मुझे बार बार ऐसा आके चेक करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे फोटेज कैसी आ रही है। मगर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दिया भाई GoPro ने दिया है। यहाँ पर एक डिस्प्ले छोटी सी जो कि टच वाली नहीं है मगर धमाकेदार वर्क करती है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप अपना फेस देखते हैं ऐसे करके कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर आपको कैमरा भी इस भाई 20 मेगापिक्सल का मिला है, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल रही है, तो दिखाते हैं आपको सब। तो बेसिकली स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको एक लाइट देखने मिलती है जो कि इंडिकेटर लाइट होती है, ये इस पर कुछ पन्नी से चढ़ी हुई है जो कि अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ। तो पहले हम ये इसका साइड का उतार देते हैं, ये इसके ऊपर लगा हुआ आया था तो हम इसको साइड कर देते हैं और देखते अपना कैमरा साइड बाय साइड कैसा है। तो ऊपर हमें एक रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम सा स्टाइल है इसका। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हीरो 9 ब्लैक देखने को मिलेगा हमें, और इसके नीचे एक मोड का बटन जहाँ से ये ऑन भी होता है और मोड भी चेंज इसके होते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ ये हमें माउंट वाला सेक्शन है, जिससे हम ऐसे इसको खोल करके और इसको फिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी फिट करके दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो बेसिकली मैंने आपको पिछले सेक्शन में ये दिखाया था, तो ये वर्क इस तरीके से करता है। ये जो मतलब कि इसके ये इधर ब्लॉक्स बने हुए हैं ये इसमें फिट हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है। दूसरा चीज़ आपने क्या काम करना है, ये जो मतलब पिन टाइप थी इसको आपने बाहर की तरफ से इसमें इंसर्ट करना है और ऐसे गोल 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 करके घुमा देना है। तो बेसिकली ये हो जाता है एकदम से फिट। तो मैं ढीला करके दिखा देता हूँ आपको। तो बेसिकली दिखने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है खड़ा होने के बाद। तो अभी रोशनी ज़्यादा है तो दिख नहीं पा रहा है, इस तरीके से खड़ा हो जाता है। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। पीछे के सेक्शन में आपको दिखा दिया क्या मिलता है, इधर के सेक्शन में आपको दिखा दिया। इधर आपको देखने में मिलती है टच स्क्रीन, जिसके ऊपर भी अभी पन्नी चढ़ी हुई है। तो अभी हम पन्नी अभी रिमूव करेंगे। इसके बाद में साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको देखने में मिलता है एक बैटरी कंपार्टमेंट, जो लोगों से ज़्यादा खुल नहीं पाता है जल्दी से। लोग सोचते हैं कि हाँ ये बैटरी इसके अंदर इंसर्ट कैसे होगी, इधर से होगी या इधर से होगी या इसको ऐसा पुश करना है। तो बेसिकली नीचे की तरफ जो आपको इस तरीके से नोजल दिखता है ना, आपने इसको फिंगर से इस तरीके से पकड़ना है और अपनी तरफ को इसको खींचना है, थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से।
तो ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आप इसके अंदर बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, जो कि मैं एक मिनट फोकस कर लेता हूँ। तो ये होता है इसका टाइप सी पोर्ट। साथ ही मैं बराबर में आपको शायद दिख ना पा रहा हूँ, इधर की तरफ एक एसडी कार्ड मैंने लगाया था। एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, थोड़ा सा फोकस करते हैं इसको। तो ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो इधर की तरफ एक एसडी कार्ड मैंने इंसर्ट किया है, तो उसको निकाल लेता हूँ अभी बाहर में। तो मैंने प्रेस किया, ये एसडी कार्ड हमारा बाहर आ गया है। तो मैं इसको बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। तो ये मेरा एसडी कार्ड बाहर आ गया है, तो उसको साइड रख देते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं इंसर्ट करने वाला हूँ GoPro की बैटरी। तो जल्दी से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये भी GoPro की हमारी ओरिजिनल बैटरी है, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था। तो ये इंसर्ट होती है कुछ इस तरीके से। पहले आपने अंदर देखना है कि अंदर इसके पॉइंट्स कैसे हैं। तो इसके पॉइंट्स इधर लगे हुए हैं, तो यानी कि इस हिसाब से ये बैटरी इसमें इंसर्ट होगी। तो बेसिकली इस तरीके से आपने बैटरी पकड़नी है और सीधा इसको अंदर की तरफ आपने कर देना है पुश, और ये आपकी बैटरी लग गई है। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो अभी फिलहाल मैंने बैटरी इसके अंदर डाल दी, और बैटरी जब आपको निकालनी पड़ती है तो ऐसे करके आप पीछे खींच सकते हो, और ऐसे आपने इंसर्ट कर देनी है। ज़्यादा दम वम नहीं लगाना है, वरना टूट जाएगा। और जब इसको बंद करते हैं तो बंद करने का भी एक तरीका है, आपने इधर की तरफ से इसको प्रेस करना होता है। ये प्रेस करा और ये लॉक हो गया। अब इसको करते हैं ऑन फाइनली। तो मैं इसको कर रहा हूँ ऑन, तो नीचे मैं रखूँ अपना एक एसडी कार्ड रख देते हैं नीचे की तरफ। तो ऑन होता है ये इधर वाले बटन से नहीं होगा, इधर जो साइड में बटन होता है ना मोड्स वाला, इससे भी हो जाता है मगर फिर सही वर्क नहीं करता। तो इसको आपने प्रेस करके रखना है। तो अब ये ऑन हो रहा है, तो देखिए ये ऑन हो चुका है, इसकी डिस्प्ले आ गई। तो ये बता रहा है कि इंसर्ट एसडी कार्ड। तो अभी हमने एसडी कार्ड बाहर निकाल दिया है। मैक्स लेंस मोड इनेबल्ड हो गया है। यहाँ पर अभी 15% इसकी बैटरी शो कर रहा है, जो कि मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। ये 15% इसकी बैटरी शो कर रहा है, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है मैक्स वीडियो 1440 मेगापिक्सल में। यहाँ पे वाइड एंगल भी है इसके अंदर, जिसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने W पे क्लिक किया है, जैसे मैं W पे क्लिक करता हूँ अभी ये वाइड है, ये मैक्स सुपर वाइड हो गया। देखो कितना ज़्यादा छोटा एसडी कार्ड लग रहा है। और ये इधर जैसे वाइड में आएंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, और जैसे हम लीनियर में आ जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो मैं इसको वाइड पे सेट कर देता हूँ। वाइड बिल्कुल सही फीचर है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मल स्पीड रखनी है, या फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड रखनी है, या फिर स्लोमो कर देना है बिल्कुल ही। तो अभी हमें नॉर्मल स्पीड रखनी है इसकी। ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, वॉइस कंट्रोल, म्यूज़िक, और ये बहुत सारे फंक्शंस है। इधर की तरफ अगर आप करेंगे तो आपको कनेक्शंस मिल जाता है। कनेक्शन आपने ऑन रखना है इसका हमेशा, जब ये कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइस से। और इसमें बैक आके आपको प्रेफरेंसेस मिल जाता है, जिसमें कि वॉइस कंट्रोल वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल मोड्स, अबाउट, रीसेट भी आप इसको इधर से ही कर सकते हैं। टच स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसकी स्क्रीन है इसकी। इसको आपने ऐसे ऊपर कर देना है और ये ऐसे हो जाएगा। जैसे कि हम बैक में, अगर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बेसिकली, कि अगर मैं GoPro Hero 8 से शूट कर रहा हूँ तो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन में अपने आप को देख पा रहा हूँ बिल्कुल HD तरीके से। और यहाँ पर हमारा फ़ोन भी दिख रहा है कि हाँ, हमारे फ़ोन से शूटिंग हो पा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा फीचर अच्छा है। अगर GoPro Hero 8 में देखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पाती है, जो कि हमें अब मिल रही है। तो एक बार इसको देखते हैं सही तरीके से। बेसिकली अभी अगर मेरे पास GoPro Hero 8 होता तो मैं इसमें अपना चेहरा नहीं देख पाता, मुझे या तो किसी को वहाँ पर खड़ा करना पड़ता, या फिर मुझे इस तरीके से एंगल चेक करना पड़ता कि हाँ, मेरी फ़ोटो वहाँ पर ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली इसका भी तोड़ GoPro ने निकाल दिया। यहाँ पर आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर चेहरा मेरा आ गया है। पीछे का बैकग्राउंड सब मैं अपना आपको देख पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अमेजिंग फीचर इस बारी GoPro ने दिया है। और वाटरप्रूफ तो साथ ही साथ में है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है एक स्पीकर, मतलब माइक होता है, तो यहाँ से जैसे कि आप बातचीत करेंगे तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके कुछ इस तरीके से अभी स्क्रीन है, जैसे कि मैं अभी इधर दिखा पा रहा हूँ आप सभी को। तो ये अभी हमने पिंजरा भी बनवाया था मुर्गों का, जो जिसका व्लॉग भी अभी आने वाला है साजिब जोन चैनल पर, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। और ये कुछ इस तरीके का व्यू है मेरे घर से, जो कि हम कैमरे तरह शूट कर रहे हैं। और अगर ऐसे में आप देखोगे तो ज़्यादा लाइट दिख रहा है, क्योंकि ये फ़ोन से शूट हो रहा है, और अभी हम फ़ोन से डायरेक्ट शूट कर रहे हैं अपने GoPro की स्क्रीन, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है। मगर बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी स्क्रीन, या फिर मतलब कि मेरे फ़ोन का कैमरा, या फिर इस GoPro का कैमरा किसका अमेजिंग है, तो मेरे हिसाब से अमेजिंग है अपने GoPro Hero 9 का कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही में इसमें आपको देखने को मिलता है एक ऐसा HDR डिस्प्ले, जो कि साथ ही साथ कुछ सेकंड्स में ऑफ हो जाता है, मगर रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो इससे आपकी बैटरी का घटने का इशू बहुत ज़्यादा कम हो गया है इस बारी। तो अभी मैं इसको आपको फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि हाँ, ये फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद कैसा लगता है।
तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन नाम है GoPro Quick। तो ये रही एप्लीकेशन, हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है पहले से। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके के एनिमेशन इसके अंदर आते हैं जो कि एकदम बढ़िया है। तो अभी हम उससे पूछ रहा है क्रिएट अकाउंट आपने करना है या फिर साइन इन करना है। तो हम पहले के यूज़र हैं तो हम इसमें साइन इन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट इसमें ऑलरेडी है, हमने बहुत बार यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन खुल गए। तो साइन इन विद गूगल से मैं इसको करूँगा। तो ये वेलकम बैक इन्हें कर दिया है। डू यू ऑन आ GoPro, हमारे पास GoPro है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। तो सेटअप योर GoPro करेंगे, फिर कनेक्ट अ कैमरा पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कैमरा है तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। परमिशन देंगे अलाउ। अभी ये सर्चिंग कर रहा है हमारे कैमरे को क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप कैमरे को डिस्कनेक्ट करके दोबारा साइन इन करते हैं। तो अभी हमें ऑप्शंस दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए कि आपका कैमरा कौन सा है। तो हमारा है हीरो 9 ब्लैक, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नो GoPro डिटेक्टेड हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है, स्लाइड करना है, फिर कनेक्शंस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन आपने ऑन रखना है। और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको क्विक ऐप पर क्लिक करना है जिससे कि यहाँ पे एनिमेशन में ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने कैमरे में ये सारी परमिशंस कर लेता हूँ फटाफट से। तो गाइज मैंने फाइनली कनेक्शंस वगैरह सब ओके कर लिया है। तो ये सर्चिंग पे आ गया है, आप देखो। तो वी फाउंड योर GoPro, उन्होंने फाइंड कर लिया। अब मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपना GoPro कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग हो रही है, पेयर का ऑप्शन आया, पेयर कर देते हैं ब्लूटूथ से। कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नाम मांग रहा है कि नाम इसको कौन सा देना है। तो हमारा पहले से नाम गया हुआ है साजिब जोन GoPro करके, तो मैं वही वाला नाम रखूंगा, लीव एज साजिब जोन GoPro। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमें यही वाला नाम चाहिए। तो अभी आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब हमें अभी नहीं करना है, आई विल डू इट लेटर। तो यहाँ तो भाई भी मैं क्लिक कर दिया अपने कैमरे पे, कंट्रोल कैमरा। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ कैमरे में क्योंकि कैमरा मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। तो जैसे ही देखो मैं इसे रोटेट करता हूँ ना, तो ये फ़ोन की स्क्रीन में भी रोटेट हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन मैंने ऑन कर दिया ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से कुछ व्यू आ रहा है अपने कैमरा से। तो ये हमारे घर के छत से आ रहा है कुछ ऐसा व्यू। कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 5K कैमरा है हमारा, तो इस वजह से बिल्कुल भी लैग नहीं है। रिकॉर्डिंग मोड इधर चालू हो जाएगा। तो ये अभी प्रीव्यू से थोड़ा सा हट गया है, इसे दोबारा से करता हूँ। एक मिनट में कनेक्ट, एक सेकेंड रुकना। तो भाई यहाँ पर ये दोबारा से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको एनेबल करता हूँ प्रीव्यू पर। तो एक बार क्लिक करता हूँ, ये एनेबल प्रीव्यू मैं ऑन कर देता हूँ। डोंट शो दिस अगेन, गॉट इट। तो अभी यहाँ पर देखो ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है। तो मैं अपने कैमरे से आपको शो कर रहा हूँ अपना फ़ोन। तो हमारा फ़ोन में बहुत कम लाइट दिख रही है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है ना, लेकिन हमारा कैमरा दिख पा रहा है। तो अभी मैं दोबारा से व्यू दिखाता हूँ। व्यू आप एक बार चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस कैमरे के थ्रू, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पसंद आया है। तो इधर की तरफ का ये हमारे घर के पीछे का व्यू है और ये साइड का। और यहाँ पर हमने एक पिंजरा बनवाया था अभी मुर्गों का, तो उसका चैनल पे आ गया है हमारे साजिब जोन चैनल पर। तो अभी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ साइड में भी आपको जो कैमरा मिल जाता है फ्रंट में डिस्प्ले, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस कैमरा में। तो यहाँ पर लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस कैमरे की। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग पसंद आया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। बेसिकली ये थी आज हमारी कुछ वीडियो GoPro Hero 9 Black के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करना लाइक और साथ में सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। दोनों चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मेरे अलग से चैनल है ब्लॉगिंग का और एक मोटिवेशन चैनल है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई सा पार्ट अगर आपको इस वीडियो का पसंद आया तो उसका भी कमेंट करना कि हाँ भाई ये पार्ट हमें अच्छा लगा है। और जोन से भी आप आगे अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझको आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट वाले सेक्शन में। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जरूर जाए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and